मोदीजी ने मला एकच सांगायचं की मोदीजी आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आधी शत्रू नाही तो आम्ही तुमच्या सोबत होतो, शिवसेना तुमच्या सोबत होती। गेल्या वेळेला आम्ही युतीचा प्रचार केला होता, आमचे विनायक राऊत आणि सगळे तुमचे निवडून आले म्हणून तुमचे पंतप्रधान बसतात, पण नंतर तुम्ही आम्हाला तुटतात। आज देखील आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही, सोडू शकत नाही, भगवा जयंत आमचा कायम आहे। वो सब बातें झूठ बोल रहे हैं। एक तो उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी बीजेपी के साथ मिलके, वो खुद अलग हुए थे, ये सच है। जो भी किया उद्धव साहब ने किया, मोदी साहब ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बाबा साहब के साथ उनका जो नाता था उसको निभाया, यही सच है। आखिरकार श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को भी अप्रत्यक्ष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करनी पड़ी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे उनकी वाणी बदल रही है, उनकी पूरी तरह से निराशा, हताशा और लोकसभा के चुनाव को देखकर पराजय का डर उनके बयानों से छुप नहीं रहा। उद्धव जी एकदम धरना ऐसे ही बोलते रहते हैं कि भाई हमारी किसी शत्रुता नहीं है, हिंदुत्व हमेशा बोलती है। इंडिया ब्लॉक के लोग, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब चाहे और कोई, वो भारतीय जनता पार्टी से नीतिगत मतभेद रखते हैं। उनकी बेरोजगार बढ़ाने वाली नीतियों का विरोध है, महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों का विरोध है। हमारा विरोध उनकी नीतियों से है, हम लोग दुश्मन नहीं है। एक पार्टी यात्रा लेके निकलती है तो दूसरी पार्टी को जानकारी नहीं होती, ये अपने आप में स्पष्ट है कि कोई मन से गठबंधन कभी था ही नहीं, और इसीलिए ये ताश के पत्तों की तरह चुनाव आने से पहले ही बिखर चुका है। इसलिए पूरे विश्वास से अपने कार्यों के आधार पे मैं ये कह रही हूँ कि देश के अंदर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। एमएलए का लेन देन आसान होगा और हम इंडिया ब्लॉक को यहाँ तोड़ेंगे, वो इसमें विफल होंगे। इंडिया गठबंधन नाम की चीज कहाँ है, बजाए आप लोगों ने, दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग कहाँ है। उन्होंने दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, चुनाव में बहुत देरी है, इसके पहले ही गिर रहे हैं। ये शुद्ध अवसरवादी गठबंधन है जो अपने बनाने वाले की भी इज्जत नहीं कर सकता। देश की इज्जत क्या करेंगे, देश के लोगों की इज्जत क्या करेंगे, याद है ना आपको। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।